सामने देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग प्रसाद ले लिए हैं और हम लोग जो पहाड़ी मंदिर में चलेंगे और वहाँ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और पीछे देख सकते हैं ये लोग भी आए हुए हैं, भक्त जो है और पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए भी आप लोग? मध्य प्रदेश से आए हैं। तो चलिए प्रसाद ले लिए आप लोग? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दोस्तों दाहिने साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ जो है माँ काली का भव्य रूप विराजमान है। कुछ मैं नजदीक से दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप जब भी इस स्थान पर आइए तो सबसे पहले आपको जो है माँ काली का दर्शन होगा। और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों बाई साइड में कुछ इस प्रकार जो दृश्य है, यहाँ बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पहाड़ी बाबा का ये भव्य मंदिर 300 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है दोस्तों, और इनका दर्शन करने के लिए भक्तों को 468 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन मन में हो आस्था और हो विश्वास तो 468 सीढ़ियाँ भी दोस्तों कम है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते दोस्तों इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों। में पहाड़ी बाबा का ये भक्त मंदिर विराजमान है दोस्तों। चलिए हम लोग जो है ऊपर चलते हैं। हर हर महादेव। पूजा कैमरा दे सकते दोस्तों किस प्रकार से जो है श्रद्धालु लोग पहाड़ी बाबा का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये पहाड़ी बाबा कराया जा रहा है। जिस प्रकार का जो है यहाँ दृश्य बहुत ही भव्य दृश्य दोस्तों, वास्तव में पहाड़ी बाबा का दर्शन प्राप्त करके दोस्तों जीवन धन्य हो गया। हर हर आप देख सकते हैं दोस्तों यही है नागराज का गुफा।
और यहाँ का धार्मिक मान्यता दोस्तों नाग पंचमी के दिन खासकर यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ लगता है दोस्तों। यहाँ की धार्मिक मान्यता है कि नागराज इसी गुफा से बाहर निकलते हैं दोस्तों। अब तो मैं कुछ करीब से देखने का कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं यही है नागराज का गुफा। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग को जो इस स्थान पे आना पड़ता है, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ जो है भक्त लोग भी हैं दोस्तों। यहाँ पर यहाँ की मान्यता है कि जो भी आपकी मान्यता मुराद होती है पूरा होने के बाद दोस्तों इसी स्थान पर चुनरी बांध दिया जाता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ दृश्य है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो यहाँ का दृश्य है। यहाँ पर आकर जो है भक्त लोग नारियल को जो है यहाँ पर फोड़ते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कुछ यहाँ इस प्रकार का दृश्य है जो मैं अपने कैमरे से दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमने पहाड़ी बाबा का दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद दोस्तों काफ़ी जो अच्छा लगा, मन में एक अलग ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी इस स्थान पर आएँ इस पवित्र जो है धाम पर और आकर जो पहाड़ी बाबा का दर्शन प्राप्त करें दोस्तों।